हमारे ये पटना नगरी गंगा जी के तट पर है और जितनी पुरानी गंगा धारा है बिहार उतनी ही पुरानी ज्ञान धारा का विरासत का मालिक है। जितनी पुरानी ज्ञान गंगा की विरासत है आपकी, जैसे जितनी पुरानी गंगा धारा की विरासत आपके पास है। और हिंदुस्तान में जब भी चर्चा आती है नालंदा विक्रमशिला को कौन भूल सकता है। मानव जीवन के संशोधन के क्षेत्र के शायद ही कोई ऐसे क्षेत्र रहे होंगे जिसमें सदियों से इस धरती का योगदान न रहा हो, इस धरती का नेतृत्व न रहा हो, जिसके पास इतनी बड़ी अहम विरासत हो, वो विरासत अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। और जो अपने समृद्ध इतिहास का स्मरण रखता है उसी की कोख में भावी इतिहास गर्भाधान करता है। जो इतिहास को भूल जाता है उसकी कोख बांझ रह जाती है। और इसलिए भावी इतिहास के निर्माण का गर्भाधान भी समृद्ध शक्तिशाली भव्य दिव्य भारत का सपना भी उसका गर्भाधान इसी धरती पर संभव है और इसी धरती पर से पुलकित होने का सामर्थ्य है, क्योंकि इसके पास वो महान ऐतिहासिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, जीते जागते उदाहरण है। मैं समझता हूं इतना बड़ा सामर्थ्य शायद ही किसी के पास होता है।